हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस बहुत ही कम है, अराउंड 3 रुपीज़ के आसपास है और उसमें 99% का डिलीवरी है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, एक भी शेयर नहीं बचा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 99.99%, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बॉम्बे रेयन फैशन लिमिटेड है ये, ठीक है। अभी जो इसका करंट वैल्यू चल रहा है 3.95 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका हाईएस्ट क्या था और लोएस्ट क्या है, क्योंकि दो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाइएस्ट 52 वीक हाई और 52 वीक लो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 52 वीक हाई जो है 10 रुपीज़ के आसपास है, 52 वीक जो लो है वो 3.60 है, 3.60 है। अब यहाँ पर कितना प्राइस चल रहा है दोस्तों, 3.95, मतलब कि अभी जो है 4 रुपीज़ में ये कन्वर्ट होने वाला है जल्दी ही, ठीक है। तो क्या हमें ऐसे स्टॉक पे खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे स्टॉक पे जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है, मतलब कि इसमें आप जितना अच्छा पैसा बना सकते हो उतना अच्छा पैसा आप गवा भी सकते हो। तो मैं बोलूँगा ऐसे स्टॉक को लेने से पहले प्लीज़ आप एक बार सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए स्टॉक छोटा है, थोड़े बहुत पैसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बड़ा अमाउंट मत लगा दीजिएगा, ठीक है, आपने सोच के देखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, मैं कंपनी की जहाँ तक बात करता हूँ तो उसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये के आसपास है, जो है हिसाब से अगर देखें तो सही है, फेस वैल्यू जो है वो हिसाब से देखें तो वो सही है। और अगर हम इस डब्बे में देख लेते हैं तो ना ही कोई ख़रीदना चाहता है ना ही कोई बेचना चाहता है। ख़रीदना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि दोस्तों एक भी शेयर बचा नहीं है, और कोई बेचना इसलिए नहीं चाहता है कि हो सकता है कि प्रॉफिट हो रहा हो। और देखते हैं ऐसी कंपनी में प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी चाहे जैसी भी हो, प्रमोटर्स को खुद पे कितना बिलीव है, जिनका कंपनी है उनको खुद पे कितना बिलीव है वो देखना चाहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 35% के आसपास जो है, और बाकी सब पब्लिक के पास है, मतलब कि डबल जितना प्रमोटर्स के पास है उससे डबल जो है पब्लिक के पास है इस कंपनी में होल्डिंग। और यहाँ पर ग्राफ पे मैं आपको जो है इसका 6 मंथ का डेटा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला लोएस्ट बनाया था दोस्तों इस कंपनी ने 4.50, मतलब कि दोस्तों अराउंड जो है 5 रुपीज़ के आसपास लोएस्ट बनाया था, 5 रुपीज़ से फिर ये एक बार देखिए हो गया था 7 रुपीज़, मतलब कि दोस्तों जो भी था थोड़ा बहुत अच्छा इन्फो जो है प्रॉफिट दिया था, लेकिन उसके बाद उससे भी ये जो 5 रुपीज़ का लेवल था उसको भी तोड़ दिया है। अब देखिए ये जो है 3 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, अब मुझे लगता है दोस्तों 3 से फिर जो है ये 4 या 5 के पास जाएगा। तो लेकिन हाँ, ऐसे स्टॉक टाइम बहुत लेते हैं दोस्तों, ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो जिन्होंने देखिए ये स्टॉक में 99.99% होल्डिंग है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो लोग यहाँ पर पहले से ही इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, यहाँ देख सकते हो इतना अच्छा होल्डिंग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो देखा जा रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लोग जो है इनको ज़रूर सेल कर देते, लेकिन यहाँ पर सेल करने में भी एक भी मतलब कि पेंडिंग में भी नहीं बताया जा रहा, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कोई खरीदना भी नहीं चाहता, खरीदना तो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि बचा नहीं है, और बेचना इसलिए नहीं चाहते हो सकता है कि उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ऐसी कंपनी पर एक बार देखना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, क्योंकि मल्टीबैगर अगर बनता है तो वही स्टॉक जो पीटा हुआ रहता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी जो कंपनी का हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसमें पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो आप सोच समझ के अगर ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो ये तो लगा सकते हो, या आपको भी ऐसे कंपनी पर नोटिस करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, देखो अगर इस कंपनी का भी प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो दोस्तों ये कंपनी जो है अभी लॉस में ही चल रही है, ठीक है, ये कंपनी जो है अभी लॉस में चल रही है, ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक पेनी शेयर था जो मैं आप लोगों के सामने लगा लाना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिलीवरी है, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो खरीद के रख चुके हैं, क्योंकि हो सकता है उनको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ हो जाए इस वजह से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।